उसी तरीके से हमने अभी बात की कि 11 बजे तक हरियाणा में कितनी वोटिंग हुई है। ऐसे में लगातार देखिए जो आंकड़ा है, जो परसेंटाइल है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कैथल में 11 बजे तक 22.7% मतदान अब तक हुआ है, वहीं करनाल में 11 बजे तक 15.6% मतदान हो चुका है 11 बजे तक का आंकड़ा। पानीपत में 11 बजे तक 20.3% मतदान सीमा यहां पर हुआ है और सोनीपत में 11 बजे तक 17.9% मतदान हो चुका है। जींद में 11 बजे तक 21.6% मतदान हुआ है। तो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ये आंकड़ा सामने आ रहा है। फतेहाबाद की अगर बात कर ली जाए तो 21.7% मतदान यहां पर हुआ है। सिरसा में 11 बजे तक 17.1% मतदान हुआ है। हिसार में 18.5% मतदान हुआ है। भिवानी में 11 बजे तक अगर बात की जाए तो 20.9% मतदान यहाँ हुआ। चरखी दादरी में 11 बजे तक 190.9% मतदान यहाँ पर हुआ है। तो लगातार देखिए जो वोटिंग परसेंटाइल है सीमा, वो बढ़ता चला जा रहा है। 9 बजे तक का जो आंकड़ा था और अब जो 11 बजे तक का आंकड़ा है, उसमें फर्क साफ देखा जा सकता है। और धीरे धीरे ये जो वोटिंग परसेंटाइल है वो हम बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट करने के लिए पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर। पिछले दिनों चाहे प्रचार प्रसार की बात कर ली जाए या फिर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए, सभी की ओर से लोगों से यही अपील की गई थी सीमा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें, क्योंकि हर एक वोट का अपना महत्व होता है। हर किसी का जो मतदान होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मतदान करें। और इसीलिए ये बात अंशिका बार बार कही जाती है कि पहले मतदान और फिर जलपान, ताकि वोट परसेंटेज, क्योंकि हर एक एक वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हरियाणा के वोटरों को ये बात समझनी होगी और इसीलिए हर व्यक्ति घर से बाहर निकले और वोट करे। और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, और इसी बीच यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर, जहां से सहयोगी अंशिका लगातार बनी हुई। बिल्कुल सीमा, देखिए लगातार वोटिंग प्रतिशत कितना है हरियाणा में वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से 9 बजे तक बिल्कुल अंशिका, और ये बड़ी खबर जैसा कि आप बता रही थी मेवात से, 11 बजे तक 19.6% मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज कुछ इस प्रकार से है, पलवल में 11 बजे तक 16.2% मतदान किया गया है, तो फतेहाबाद में 11 बजे तक 21.7% मतदान हुआ है, इधर हिसार में 18.5% हुआ है मतदान। पलवल में 11 बजे तक जो आंकड़ा रहा है वो 16.2% का रहा है। फरीदाबाद में 13.6% मतदान रहा है। तो मेवात में 11 बजे तक 19.6% मतदान। और चलिए आपको यहां से सीधे पानीपत लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ने पानीपत के पोलिंग बूथ का लिया है जायजा। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम पानीपत सिटी में और यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ कई लोग हैं जो इस वक्त वोट डालकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है, क्या इस बार क्या सोच रहे, कैसी सरकार होगी? बस यही सोच के वोट दिया है सर कि आगे बेहतर ही होगा, जो होगा बस बेहतर समाज के लिए, बेहतर जो है बनाने के लिए। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के, किस मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डाल रहे हैं? फिलहाल तो हम क्या बताएं आपसे, मुद्दा बस यही होना चाहिए कि हालात बेहतर होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो तफरका, जो आपस की जो है बुराई है एक दूसरे की, वो हमारे बीच नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने वोट डाल दिया? डाल दिया जी। इन मुद्दों पर इस बार वोट डाल रहे हैं आप लोग? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए आपने वोट डाल दिया?
किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट डाल रहे हैं? 131 पे। नहीं नहीं, किन मुद्दों को लेकर, क्या सोचकर इस बार आप लोग वोट डाल रहे हैं? बस ये महंगाई है और जी सबका साथ सबका विकास हो जाए, हर आदमी की सुनी जाए। धन्यवाद। अम्मा आप वोट डालने आई, इतनी सुबह बुजुर्ग हैं, किन चीजों को लेकर इस बार आप लोग वोट डाल रही हैं? किन मुद्दों पर आप लोग ने वोट डाला है जी? हमारे मोदी जी ने इतना विकास किया है, बहुत 10 साल में विकास किया, उस मुद्दे पर काम किया हमने, उस पर वोट डाल रही है जनता। और मतलब विकास को लेकर, विकास को लेकर गेहूँ दे रही है, आप लोग ने वोट डाल दिया। इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पर? हम तो इन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं कि जो भी सरकार बने वो सारी बिरादरियों को साथ लेके चले, किसी पे जुल्म ज्यादती ना हो, समझे? मतलब ऐसी सरकार जो सबको साथ लेके चले, सबको साथ ले, सभी धर्मों को लेकर, ये झगड़े का माहौल ना पैदा करे कोई भी सरकार आए। हम तो इन मुद्दों को सोच के वोट कर रहे हैं। तो आप पानीपत सिटी से ही रहने? पानीपत सिटी से है, जट रोड पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर वोट डालकर आ रहे हैं और सबका मेन मकसद है कि सबका विकास होना चाहिए। जावेद सैन, इंडिया न्यूज, पानीपत। और चलिए यहां से सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अहम तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए पहले मैं एक बात आपको जानकारी दे दूं कि मैं फिलहाल कालका विधानसभा में हूं और कालका विधानसभा के गांव ककराली में जो पोलिंग बूथ है उस पर मैं हूं और यहां की मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि चूंकि देखिए सुबह भी हम तस्वीर दिखा रहे थे इसी पोलिंग बूथ से, तो पुरुष मतदाताओं की संख्या काफ़ी लंबी थी और लंबी लाइन लगी हुई थी ऐसे में, लेकिन अब महिलाओं की जो लाइन है वो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा बड़ी हो गई। और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पहले घर का वो कामकाज उनकी तरफ से निपटाया गया, चूँकि गाँव है और गाँव में जो कामकाज है वो पहले उसको फारिग करने के बाद में अब ये तमाम जो महिलाएं हैं वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं और काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही हैं, क्योंकि एक ही बूथ इस ककराली गांव में है जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता एक ही बूथ पर वोट डाल रहे हैं। लेकिन कुछ जो मतदाता हैं वो वोट डाल के आए हैं अंदर से, उनसे बात करेंगे। आपने वोट किए, वोट कास्ट कर लिया आपने? अभी नहीं किए, करने जा रहे हैं आप? क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं कालका के? कालका के मुद्दे यही हैं जी, पहले जो अपने विधायक रहे हैं प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने काम नहीं किया पिछले 5 साल में, कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस से थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस से था इसलिए सरकार उनकी नहीं थी, सरकार नहीं थी उनके ऊपर, उनका रीजन ये होता है। हाँ। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, सरकार कहती है कि समान विकास उनकी तरफ से किया गया है, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या दूसरी किसी पार्टी का, नहीं उनका वीडियो देखा मैंने, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं थी, ऊपर मैं काम नहीं कर पाया। तो नाराजगी है विधायक से? बिल्कुल नाराजगी है जी। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। काम कौन से थे जो नहीं हुए हैं? बस आप देख लो, इधर जाके सड़कें ही नहीं बन रही हमारी, ये मेन छोटी सी एक होती है, मतलब सड़क ही नहीं बन रही है, तो आगे क्या होगा आप सोचो खुद। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा है, सड़क है। और देखिए ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, अब कुछ महिलाएं भी अब वोट कास्ट करके आई हैं, मैं आपको बात कराने की कोशिश करता हूं महिलाओं से भी, हालांकि अभी क्योंकि पर्दे में हैं, बात करने से थोड़ा सा गुरेज उनको है इस बात को लेकर के मुद्दे आखिर क्या है। आप बात कर पाएंगे? वोट डाल दिया आपने क्या? आप वोट डाल के आए हैं, क्या 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 मुद्दों पर वोट किया आपने? वोट तो यही किया जी कि घर पे कोई वैसी पानी पूनी की समस्या नहीं होनी चाहिए, लाइट की समस्या नहीं होनी चाहिए जी, सारी तरह के सुविधा होनी चाहिए थी जी। सुविधाएं सारी तरह की होनी चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि पानी की एक समस्या थी, बिजली की एक समस्या है, तो लगता है आपको कि ये चीजें दुरुस्त होंगी? होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, इसी को लेकर वोट कास्ट किया? हाँ जी बिल्कुल। देखिए महिलाएं हैं, गांव की हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि गांव में जो बिजली की समस्या है और पानी की समस्या, क्योंकि पहले भी जिस तरह जिक्र आया कि जो कांग्रेस के यहां से मौजूदा विधायक थे उनकी तरफ से काम नहीं किया गया, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो मतदाताओं में देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के बदलाव चाहते हैं मतदाता, के बदलाव हो ताकि एक कालका विधानसभा का जो भविष्य है या जो विकास है वो पूरी तरह से हो। क्या क्या आपको क्या लगता है किस तरह से वोटिंग हो रही है, कितने परसेंट वोट हो डल चुकी हैं? अभी 400 के करीब वोट पोल हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, लोग बदलाव की तरफ हैं, माहौल कालका का माहौल अब बदल गया है। पहले जो माहौल था, हमारे विधायक जी हर बार उनका 2 बार MLA बने हैं, उनकी एक ही रोना है कि साड़ी सरकार नहीं हैगी, आपा काम नहीं कर सकते,
दोनों बारों के साथ यही हुआ है। एक और महिला आई है, उनसे बात करेंगे आपसे। लेट हो गई, कहाँ रह गए थे? बस जी लेट, भीड़ हो रही है जी यहाँ। अच्छा, भीड़ देख के वापस चले गए थे? हाँ जी, वापस चले गए थे, पहले आई थी मैं। अच्छा, आप वोट करने के लिए तो आए हैं, क्या है मन में, क्या चल रहा है, क्या वोट को लेकर क्या मुद्दे रहे होंगे, क्या बताया होगा, कहाँ कमी रह गई थी जो पूरी होगी? बस कमी तो है ही हो जी, आपने पता ही है। क्या है? बस क्या है, क्या सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या कुछ तो सब कुछ है यार, देखो इसमें तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ तो फिर क्या बाकी बचता है? नशा मुक्ति केंद्र, नशे में तो सब यहाँ सारे के सारे नशा कराया, यहाँ ककराली के हमारे इधर के तो सब नशा कराया। नशा एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ जी, हमारे यहाँ तो यही मुद्दा है। देखिए ये महिलाएं हैं, बिल्कुल देवेंद्र, ये काफी बेहतरीन बात इन्होंने कही, जो चुनाव में इस बार मुद्दे भी हैं और जिसको हर कोई, जो हर दल जो है इस मुद्दे को उठाती है। आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके लिए हम ब्रेकिंग सेंटर से अंशिका का रुख करेंगे। अंशिका, ओवर टू यू। कि आज देखिए हरियाणा के लिए बहुत ही ज्यादा अहम दिन है, विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से ही जारी है और सभी वोटर्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा बयान दे दिया गया है। उनकी ओर से एक बार फिर यही दावा किया गया कि भाजपा की फिर एक बार सरकार बनेगी हरियाणा में, यानी कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नतीजे देखिए अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी जीत को लेकर अपने आश्वस्त नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। और ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि केवल बीजेपी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। बिल्कुल, ये बड़ा दावा देखिए अंशिका इन्होंने किया।